दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा चतुर्वेदी। आज गुरुवार है, तारीख 6 अक्टूबर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। देख लीजिए वो खबरें जो रही सुर्खियों में। नागपुर में विजयादशमी के कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या पर एक समान नीति बने और सब पर समान रूप से लागू हो। ऐसी नीति लानी चाहिए कि किसी को छूट न मिले। हमारे देश में 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। बारामूला में शाह ने कहा कि यहां 70 साल राज करने वाले लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि हमारा जवाब है कि हम पाकिस्तान से बातचीत क्यों करें? हम बारामूला के लोगों से बातचीत करेंगे, हम कश्मीर के लोगों से बातचीत करेंगे। मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर अनजान शख्स का कॉल आया, जिसमें कॉलर ने अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों का भी नाम लिया और गाली गलौज की। ये कॉल बुधवार को 12:57 पर आया था। इसके बाद से अस्पताल और मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार को टीवी फटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त और मां घायल हैं। धमाका इतनी तेज था कि एक दीवार पूरी तरह से टूट गई, कमरे की बाकी दीवारों में दरारें आ गईं। पड़ोसियों के मुताबिक ब्लास्ट की आवाज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। टीवी फटने की वजह अभी पता नहीं चली है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज वीक 2022 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का ऐलान किया गया। ये पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। इनमें अमेरिका के कैरोलिन बेट्रोजी और बेरी शार्पलेस, डेनमार्क के मोर्टन मेलडेल का नाम शामिल है। 81 साल के शार्पलेस को 2001 में भी दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अब देख लीजिए वो इवेंट्स जिन पर रहेगी आज हमारी नजर। सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगी। भारत साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा। और अब थॉट ऑफ द डे। उम्मीद अगर खुद से लगाई गई है तो रिजल्ट हमेशा बेहतर होंगे। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर।